रेवाड़ी दौरे पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, बड़ी खबर बड़ी जानकारी। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा का यह दौरा है और मूलचंद शर्मा इस दौरान जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तकरीबन 6 से 7 गांव में जनसंवाद करने वाले हैं मूलचंद शर्मा। बस स्टैंड से नई बसों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। और आपको बता दें, मूलचंद शर्मा जनसंवाद कार्यक्रम में आम लोगों की समस्याओं से भी रूबरू होंगे। और पहले देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे थे, उसके बाद अब कैबिनेट मंत्री भी अलग अलग विधानसभाओं में जा रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और जनसंवाद कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, संवाद आमजन से कर रहे हैं। रेवाड़ी से खबरें अभी तक के संवाददाता राजेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अच्छा देखिए राजेश, क्या कह सकते हैं परिवहन मंत्री के दौरे को लेकर, किस तरह की तैयारियां हैं और कितनी संख्या में लोग आ सकते हैं संवाद कार्यक्रम में? देखिए आरती, जिस तरह से जनसंवाद कार्यक्रम है तो इसमें काफी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। और जिन गांवों में कार्यक्रम रहेगा जनसंवाद का परिवहन मंत्री का, उन गांवों के लोग तो शामिल होंगे ही, साथ ही साथ आसपास के जो गांव है या जिनकी जो समस्या है वो भी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचेंगे। और जिस तरह जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है तो परिवहन मंत्री कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं उनका मौके पर निपटारा करने की कोशिश करेंगे। आरती, अगर कार्यक्रम की बात करें तो सुबह 10 बजे मसानी गाँव में परिवहन मंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम है, उसके बाद 11:15 बजे हांसा का गाँव में और 12:30 बजे मीरपुर गाँव में, इसी प्रकार दोपहर 2 बजे गोकुलगढ़ में और 3 बजे किशनगढ़ गाँव में जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया है। आरती, इसके बाद जो है करीब 4:30 बजे जो परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी इस तरह सभी जिलों को जो है नई B6 बसें जो मिली है उन बसों को झंडी दिखाकर रवाना करें, तो रेवाड़ी में भी जो है इस मॉडल की 6 बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। ये बसें वृंदावन, फरीदाबाद और खाटू श्याम धाम के लिए रवाना की जाएगी। जी आपके, चलिए बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी करनी है, परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा पहुंच रहे हैं।